हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू संभव डिजिटल क्लासेज। आज अपन इस वीडियो में बीएससी पार्ट सेकंड के लिए सिलेबस का समराइजेशन देखेंगे, मतलब कौन कौन से इसमें अपने पास यूनिट होती है, क्या क्या इसमें पेपर का पैटर्न होता है, कौन कौन से पेपर के नाम है, ठीक है, और इसमें किस प्रकार से क्वेश्चंस वगैरह आते हैं। तो सबसे पहले अगर अपन यहाँ देखें बीएससी सेकेंड ईयर फिजिक्स, ठीक है, इसमें अपन देखें तो तीन अपने पास थ्योरी के पेपर होंगे। तो थ्योरी पेपर्स देखें अपन, एक पेपर 33, 33 प्लस 34, इस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन होगा। 100 मार्क्स के अपने पास होगी थ्योरी, ठीक है, 50 मार्क्स के अपने पास रहेंगे प्रैक्टिकल। तो एक तरह से टोटल अपने पास हो गया फिजिक्स का जो होगा 150 वेटेज हो गया अपने पास, ठीक है। अब इसमें एग्जाम में जैसे पेपर का पैटर्न किस प्रकार से आता है वो अपन देखें, तो जो पेपर पैटर्न देखिए, अब टोटल 5 क्वेश्चन आएंगे जिसमें जो क्वेश्चन नंबर 1 होगा, ठीक है, इसके 6 पार्ट आएंगे, जैसे ए बी सी डी, इस तरह से इसमें 6 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, और ये क्वेश्चन कंपलसरी होगा। जितने भी आपका जैसे पूरा पैटर्न है, इसमें पूरे पेपर को 4 यूनिट में डिवाइड किया हुआ है, ठीक है, तो जो क्वेश्चन नंबर 1 होगा ये चारों क्वेश्चन में मिक्स में से आएगा। इसमें बेसिकली एक क्वेश्चन का जैसे ए पार्ट का आंसर अपने को लगभग हाफ पेज के अंदर देना होता है, ठीक है, और ये टोटल 9 मार्क्स का आता है यहां पर, लगभग 1.5 नंबर का एक क्वेश्चन हो गया यहां पर, अपन ये कह सकते हैं, ठीक है। फिर अपने पास आएगा यूनिट फर्स्ट, यूनिट फर्स्ट में आएंगे क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में पहले आएगा ए पार्ट। ए पार्ट जो होगा ये कंपल्सरी होगा, ठीक है, और ये 3 मार्क्स का आता है अपने पास। फिर इसी में अपने पास बी पार्ट आएंगे, बी पार्ट में अपने पास चॉइस आएगी, इंटरनल चॉइस रहेगी, मतलब 2 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, मतलब एक क्वेश्चन ऊपर जाएगा, एक उसके अथवा में आ जाएगा, और यहां पे ये भी 3 मार्क्स का होगा। ऐसी ही अपन बात करेंगे इसमें यूनिट सेकंड की, तो यूनिट सेकंड के अंदर बेसिकली सेम पैटर्न रहेगा, क्वेश्चन नंबर 3, यूनिट थर्ड के अंदर क्वेश्चन नंबर 4 और यूनिट फोर्थ के अंदर क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। इस तरह से मार्क्स का टोटल डिस्ट्रीब्यूशन होता है। अगर अपन यहां देखें 9 और यहां से एक यूनिट में से अपने पास आएंगे 6 मार्क्स, एक यूनिट में से, तो 6 24 और 9 33, इस तरह से यहां पे डिस्ट्रीब्यूशन होगा पूरे 33 मार्क्स का, ठीक है। और जो अपना ये वाला पेपर होता है 34 का, तो इसमें 1 मार्क्स यहां बढ़ जाता है, इसमें 10 मार्क्स के क्वेश्चन देते हैं ये, ठीक है, इस तरह से रहेगा। अब इसमें पेपर फर्स्ट में कौन कौन से जैसे अपने पेपर के नाम है, उसमें क्या क्या टॉपिक्स आते हैं, कौन कौन से चैप्टर अपने को पढ़ने हैं, उसको अपन देखें थोड़ा ब्रीफ में, तो इसको नोट कर लो। तो पेपर फर्स्ट, ठीक है, पेपर फर्स्ट अपने पास उष्मगतिकी तथा सांख्यिकी भौतिकी, ठीक है। इसमें यूनिट फर्स्ट की अपन बात करें तो यूनिट फर्स्ट में चैप्टर फर्स्ट, ठीक है, चैप्टर फर्स्ट अपने पास आता है स्थूल निकायों में उष्मीय व रुदोष्म अन्योन्य क्रियाएं, ठीक है। फिर इसी में चैप्टर सेकंड अपने पास
बेसिकली जो ये अपना यूनिट है तीन चैप्टर रखता है, 1, 2, 3। चैप्टर सेकंड की अगर अपन यहाँ बात करें उसमें अपने पास आएंगे उष्मा इंजन, उष्मा गतिकी का द्वितीय नियम, तथा उष्मा गति की ताप पैमाना। ठीक है, फिर नेक्स्ट चैप्टर थर्ड इसमें अपने पास आता है व्यापक उष्मा गति की अन्योन्य क्रियाएं। ठीक है, फिर अपने पास आ जाएगा इसमें यूनिट सेकंड में अपने पास दो चैप्टर है, 4 और 5। चैप्टर फोर्थ अगर अपन देखें वो है न्यून तापों का उत्पादन एवं अनुप्रयोग। और चैप्टर फाइव उसमें अपने पास आणविक वेगों का बंटन तथा अभिगमन नियम, अभिगमन घटनाएं। ठीक है, फिर यूनिट थर्ड में अपने पास एक ही चैप्टर है, चैप्टर सिक्स। इसमें अपने पास आता है चिरसम्मत सांख्यिकी। यह जाएगी मैक्सवेल बोल्ट्जमान सांख्यिकी, इसी का नाम है। ठीक है, फिर अपने पास आता है यूनिट फोर्थ। इसमें भी अपने पास एक ही चैप्टर है, चैप्टर सेवन, उसका नाम है क्वांटम सांख्यिकी। ठीक है, इस तरह से अपना जो पेपर फर्स्ट है थर्मोडायनेमिक्स का वो कंप्लीट होता है। अब अपन नेक्स्ट पेपर पे आते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स पर। तो इसको नोट कर लो, नेक्स्ट पेपर आता है अपना गणित, मैथमेटिकल, गणितीय भौतिकी। पेपर सेकंड गणितीय भौतिकी। ठीक है, इसमें यूनिट फर्स्ट में अपने पास तीन चैप्टर है। ठीक है, चैप्टर वन उसमें अपने पास आता है वक्र रेखीय निर्देश तंत्र। ठीक है, चैप्टर टू उसमें अपने पास आता है प्रदेश, और चैप्टर थ्री इसमें अपने पास आता है डिराक डेल्टा फलन। फिर नेक्स्ट यूनिट सेकंड में अपने पास यहां पर दो चैप्टर रहेंगे, 4 और 5, अपेक्षिता का विशिष्ट सिद्धांत।
चैप्टर 5, इसमें अपने पास आता है आपेक्षिकीय गतिकी। फिर यूनिट थर्ड में अपने पास आएंगे एक ही चैप्टर, उसमें दो चैप्टर है, 6 और 7। चैप्टर 6 में आता है अपने पास आपेक्षिकीय विद्युत गतिकी। और चैप्टर 7 उसमें अपने पास आता है द्वितीय कोटि के अवकल समीकरण। तथा विशिष्ट फलन। ठीक है, फिर बच गया अपने यूनिट 4। यूनिट 4 में अपने पास आता है एक ही चैप्टर है, चैप्टर 8, परिसीमा मान समस्याएं। ठीक है, इस तरह से रहता है। अब अपन बात करेंगे पेपर 3 की, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज, इसको नोट कर लो। पेपर 3, ये आपने पास आता है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सॉलिड स्टेट डिवाइसेज। इलेक्ट्रॉनिक्स एवं ठोस अवस्था युक्तियां, ठोस युक्तियां कह सकते हैं अपन इसको। ठीक है, तो यूनिट फर्स्ट में अगर अपन बात करें तो इसमें बेसिकली दो चैप्टर आएंगे अपने पास, एक तो सर्किट एनालिसिस और एक रहेगा अपने पास पीएन जंक्शन। माने परिपथ विश्लेषण। और चैप्टर 2 अपने पास रहेगा पीएन जंक्शन। जंक्शन मानी हो गया अपने पास संधि, पीएन संधि। ठीक है, फिर यूनिट सेकंड की अगर अपन बात करें तो उसमें भी अपने पास दो चैप्टर रहेंगे, चैप्टर 3 अपने पास रेक्टिफायर, इसको कहते हैं अपन दिष्टकारी, और चैप्टर 4 वो अपने पास रहता है इसमें ट्रांजिस्टर। फिर अपन बात करें यूनिट थर्ड के अंदर अपने पास दो चैप्टर रहेंगे, 5 और 6। पांचवा था ट्रांजिस्टर बायसिंग। और चैप्टर 6 अपने पास है फीडबैक सर्किट। पुनर्निवेशी परिपथ। फिर यूनिट फोर्थ में अपने पास सिर्फ इसमें दो चैप्टर रहेंगे, एक तो ऑसिलेटर माने दोलित्र, और चैप्टर 8 अपने पास रहेगा लॉजिक सर्किट्स। ठीक है, तो इस तरह से अपने इस सेकंड ईयर के
तीनों पेपर्स, तीनों फिजिक्स के पेपर्स का समराइजेशन है, ठीक है। तो इसमें कौन कौन से चैप्टर आपको पढ़ने हैं, किस प्रकार से इसमें डिवीजन हो रहा है, यह आप यहाँ से देख सकते हो, ठीक है। ओके, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।